हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अभी मैंने आज पोस्ट किया था कि एक लड़के का वीज़ा लग गया, तो मैंने उससे जब बात की तो उसका जो वीज़ा आने का जो प्रोसेस था मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने पूछा था कि कितना दिन में वीज़ा आया तेरा, है ना, बहुत कुछ बातें हुई उससे मेरी। तो फिर सोचा कि क्यों ना इस पर मैं डिटेल से वीडियो बना दूँ। ये उनके लिए रहेगा जो लोग कहते हैं कि अप्लाई किया था अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा हमें, है ना। तो उसका कैसे आया वीज़ा सारी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। एंड सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कमल कुमार 2009। नाम है बंदे का, नाम असलम, इंडिया से है, अबू धाबी में जॉब करते हैं ये, और मिनी बस ड्राइवर है वहाँ पे। तो इसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। एक्सपीरियंस उनके पास था, दुबई का था, साइप्रस का था, सऊदी अरब का था। तो अप्लाई कब किया था पहले आप ये डेट देख लो, क्योंकि ये जो जो मेरे पास अभी है मैंने लिखा हुआ सारा मोबाइल में, जो जो मैंने वीडियो के लिए जो रिक्वायरमेंट थी मैंने उनसे पूछा, सारा कुछ मैंने जैसे बताया मैं आपको वैसे ही बताने वाला हूँ सारा A to Z। जून 2022 में अप्लाई किया था ऑनलाइन, डिफरेंट डिफरेंट पता ही है, ऑनलाइन से उन्होंने अप्लाई किया था। फेसबुक है और आपका लिंक्डइन है, गूगल है। तो उन्होंने एक बार अप्लाई किया था माल्टा के लिए, उसके बाद उन्होंने अप्लाई नहीं किया, बस छोड़ दिया बस। और उसके बाद रिप्लाई कब आया जी, 7 जनवरी 23 को, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब आफ्टर 7 मंथ रिप्लाई आया, ठीक है। और जिसमें रिप्लाई में क्या लिखा था, ड्राइविंग वीडियो का, ड्राइविंग करते हुए की वीडियो और सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो सेंड करने के लिए बोला, जो उन्होंने किया। उसके बाद 7th इंटरव्यू को, उन 7th फेब को, 1 महीने बाद 7th फेब को उनकी इंटरव्यू होती है, ठीक है। उस इंटरव्यू में उनको बोला गया था कि आप टाइम चूज़ कर सकते हो, 2 टाइम दिए थे इनको, जो सुटेबल लगा उन्होंने वो टाइम सेलेक्ट कर लिया और इंटरव्यू हो गया। और 11th फेब को मेल आती है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, आपकी सिलेक्शन हो गई कि मेल आ गई। और नेक्स्ट डे 12 फरवरी को फिर अलग एक और मेल आती है जिसमें इनसे ये पूछा जाता है कि आप माल्टा में जॉब करने के लिए, हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो अगर हो तो रिप्लाई करने के लिए। तो उन्होंने रिप्लाई किया और डेफिनेटली अगर अगर जॉब मिल रही है तो कौन रिफ्यूज़ करेगा। आफ्टर दैट 15 फेब को उनका क्या कहते हैं ये, उससे पहले क्या हुआ कि इनसे डॉक्यूमेंट सारे 12 फेब को ही डॉक्यूमेंट सारे कंपनी ने भेज दिए, ठीक है, जिन्होंने साइन सुन करके सारा कुछ भेज दिया वापस। और 15 फेब को इनको लिंक आता है जिसमें 280 यूरो माल्टा एंट्री फीस है, आपको पता ही है वो पे करनी होती है, वो पे करके फ्री हो गए। और उसके 15 फेब के बाद इनका 3 महीने लग गए थे इनको अप्रूवल आने में, आफ्टर 3 मंथ्स अप्रूवल आ गया था। तो कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमारा 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, अप्रूवल नहीं आया। देखो इनका 3 महीने, मेरा भी 3 महीने बाद ही अप्रूवल आया था। किसी की अप्रूवल बहुत लेट आती है, किसी की 10 दिन में अप्रूव हो जाती है, किसी के 15 दिन, और आने में किसी का 5 से 6 महीना भी लगा हुआ है, ऐसे ऐसे केस भी हैं। सो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर कब आता है पता नहीं है, उसी वर्क परमिट कहते हैं, उसी का सारा खेल होता है। जब वो आ जाता है तो आपका आधा काम डन हो जाता है। तो उसके बाद हो गया जी इनका, तो इन्होंने फिर अपॉइंटमेंट ली थी, इन्होंने इन्होंने अपॉइंटमेंट कब की ली थी, मैंने कहाँ लिखा हूँ अपॉइंटमेंट, हाँ 4th जुलाई की अपॉइंटमेंट थी इनकी, इन्होंने 4th जुलाई की अपॉइंटमेंट ली थी। और इनका पासपोर्ट फिर आया 30 अगस्त को, मतलब ऑलमोस्ट 56 डेज लग गए वीज़ा आने में, जो कि मैं शौक हूँ, दुबई अबू धाबी से इतना टाइम लगता नहीं है, पता नहीं क्यों इतना टाइम लग गया। नहीं तो जो दुबई अबू धाबी में जो अपनी फाइल सबमिट करते थे उनका वीज़ा 15 दिन में मैक्सिमम आ ही जाता था, लेकिन अब वहाँ पे भी बहुत टाइम लग रहा है। और इनका जो खर्चा हुआ है, मेन होता खर्चा, कितना पैसा लग गया होगा ऑनलाइन अप्लाई करके, 61,200 इंडियन रुपीज़ ओनली, 61,000 में 200 में सारा काम हो गया, जिसमें से आपको मैं बता देता हूँ, 280 यूरो इन्होंने दिए थे माल्टा एंट्री फीस, और 150 यूरो इन्होंने डिक्लेरेशन प्रूफ बनवाया था, और हाँ यूरो में ये है, और 250 यूरो फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। और बाकी इन्होंने जो मुझे बताया है वो है दरम में बताया हुआ है इन्होंने, जैसे 300 दरम इन्होंने लगाए थे इनके कोरियर में, कोरियर में जो डॉक्यूमेंट मंगाए उसके लग गए, 250 लग गए थे इनके, 250 दरम लग गए थे इनके इंश्योरेंस में, और VFS की फीस जो होती है आपको पता ही है, अंदर अपॉइंटमेंट के बाद अंदर VFS की फीस देनी होती है, और जो VFS की फीस थी वो 641 थी
जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे VFS की फ़ीस के लिए, इन्होंने अभी रिसेंटली करवाया था जुलाई के महीने में, तो 641 इन्होंने 641 दरहम इन्होंने VFS की फ़ीस पे की थी। तो ये था सारा हिसाब किताब, जो कि यूरो में बनते हैं 680 यूरो और दरहम में बनते हैं 1191। ये खर्चा था भाई का, जो जिनको वीज़ा मिल चुका है, तो अब ये होपफुली सून यहाँ आने वाले हैं। और ये उनके लिए जो कहते हैं कि ऑनलाइन का कोई रिस्पांस आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है कभी कभी नहीं आता है। अब देखो 7 महीने बाद आया रिस्पांस, कई लोग हार जाते हैं यार, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कहाँ आएगा रिस्पांस इनको, लेकिन आ गया, 7 महीने बाद आ गया। चलो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है जी। तो पहले तो ये कहते ड्राइविंग में हूँ, फिर मेरे को लगा कि शायद टैक्सी में होगा बंदा, तो फिर बाद में फिर क्लियर हुआ कि मिनी बस में है, क्योंकि उसका सीन अलग है। सिर्फ टैक्सी के लिए ही आपको पता है इशू है, टैग चाहिए, बिना टैग के आपका काम होने वाला नहीं है। तो मैं मंडे को मैं अब ट्रांसपोर्ट माल्टा जाने वाला हूँ, और जहाँ जाके मैं फिज़िकली पूछ के आऊँगा कि जो ड्राइविंग का जो टैग है, जो टैक्सी का टैग है, उसकी फ़ीस कितनी है, क्योंकि सुनने में आया था 300 है। क्यों ना मैं वहाँ जाके कन्फर्म करके इस पर डिटेल से एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये था जी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो क्योंकि और दूसरी बात, इनका इंटरव्यू नहीं हुआ था, बस ये इसी उम्मीद में थे कि इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट में इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग, आपको पता ही है चेकलिस्ट क्या है, सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे। और जो और NOC आपको पता ही है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हो तो आपको NOC भी लगानी पड़ती है, इन्होंने NOC भी लगाई थी। और इनके पास 3 ड्राइविंग लाइसेंस थे, साइप्रस का, इंडिया का, सऊदी का, और क्या कहते हैं दुबई का भी था इनके पास, ये सारा इन्होंने लगा दिया था। तो उसके बाद इनके पास जो पुराना पासपोर्ट था, मुझे बता रहे थे मेरे 2011 में डेनमार्क भी विजिट किया था इन्होंने, ठीक है, तो वो पासपोर्ट पुराना था, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो नए पासपोर्ट में तो था नहीं वीज़ा शेंजन का। तो ये सारा था इनका हिसाब किताब। तो वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।